पीएम मोदी ने मथुरा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु को दी श्रद्धांजलि। कहा, श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर असमानता को दूर करने में उनकी भूमिका अतिथि थी। चैत्र नवरात्र पर वाराणसी को करीब 1800 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी, रोपवे का करेंगे शिलान्यास। ममता बनर्जी का भाजपा पर निशाना, कहा जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए खुद संसद की कार्रवाई को रोक रही। रिटायर्ड जज पर बयान देकर फंसे किरण रिजिजू, कांग्रेस के ने कानून मंत्री को बताया डाकू, टीएमसी बोली सबूत दीजिए। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, बोली राहुल जी महान इसलिए हैं क्योंकि महाभारत में जीएसटी सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयुक्त सभागार में अयोध्या विजन के अंतर्गत कराए जा रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। अयोध्या विजन के तहत 134 परियोजनाओं का कार्य चल रहा है जो लोक निर्माण विभाग, रेलवे, ऊर्जा, परिवहन, चिकित्सा, नगर निगम आदि विभागों की प्रमुख योजनाएं हैं। इस बैठक में सांसद लल्लू सिंह ने सरयू नदी पर बैराज बनाने की ओर ध्यान उत्कृष्ट किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं, बता दें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने विभागों को तमाम तरह के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में जरूरी मंथन किया गया, जिसके बाद अधिकारियों के साथ ये मंथन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गौंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर प्रमाण पत्र जारी करने संबंधित प्रस्ताव संसद में पास कराने के लिए धन्यवाद जनसभा का आयोजन किया गया, जहां आयोजित धन्यवाद जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री और पूर्व आईपीएस असीम अरुण मौजूद रहे। साथ ही अखिल भारतीय गौंड महासभा द्वारा आयोजित धन्यवाद जनसभा में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गौंड समाज के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। रामचरितमानस को लेकर के जो बात हुई या और जो बातें हैं, ये बड़ा साफ दिखता है कि दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है तोड़ने वाली और एक विचारधारा है सबका साथ सबका विकास वाली। रामचरितमानस में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, इसके ऊपर बहुत सारी मीमांसा हो सकती है, बहुत सारे विवाद खड़े किए आ सकते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये हमारी रीति नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास, सबका साथ सबका विकास के कार्य कर रही है, गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही है। आज हर एक को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, फ्री राशन आदि सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने दी है। जैसे ऐसी जो कमियां हैं उनको हम लोग दूर कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को ऊंचाइयों पे ले गए, अब अगली ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। हरदोई के मल्लावा इलाके में अज्ञात कारणों के चलते चारपाई में आग लग गई, जिसमें मां बेटी गंभीर रूप से झुलस गईं, जहां घटना के बाद बेटी की इलाज के लिए जाते समय रास्ते में मौत हो गई और मां गंभीर रूप से झुलस गई, जिसको आनन फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं जब इस संबंध में स्थानीय पुलिस से जानकारी की गई तो उन्होंने मामले में अभिन्नता जाहिर की है।
सुल्तानपुर में मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के देरा गांव में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां एक घटना में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए और घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पकड़े गए दोनों बदमाशों पर हत्या, लूट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं और इन पर रासुका और गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। औरैया में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर, आए दिन प्रतिदिन सड़क हादसे की घटना से क्षेत्र मातम का माहौल बना हुआ है। ताजा मामला जिले के एरवा कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम उद्देश्यपुर का है, जहां पिकअप ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से राहगीरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां मौके पर मौजूद चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार कर रिंकू कश्यप एवं संदीप को मिनी PGI सैफई के लिए रेफर कर दिया गया। प्रदेश में एक तरफ जहां सरकार अपराध को रोकने के लिए सख्त नजर बनाए हुए है, तो वहीं प्रदेश में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कुशीनगर का है, जहां खेत की ओर गए वृद्ध की हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिवार जनों ने बताया कि एक युवक ने बांस से मारकर हत्या की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा पुलिस ने हत्या के कारणों की जांच कर रही है। थाना तुरपट्टी अंतर्गत ग्राम बरवा सुखदेव में राम मूर्त चौहान, उम्र 70 वर्ष, जो कि प्रातः काल में अपने खेत पे गए हुए थे, वहां पर सूरज भान चौहान, उम्र 32 वर्ष, जो कि रिश्ते में उनका पारिवारिक पोता लगता है, उसके द्वारा उनके सर पर डंडे से प्रहार कर हत्या की घटना कारित की गई है। प्रकरण में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त पंजीकृत कर अभियुक्त सूरज भान चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। प्रकरण में आवश्यक विधि कार्रवाई। बस्ती में इन दिनों अपराधियों के अंदर कानून का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। यहां आए दिन महिलाओं पर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस बीच ताजा मामला रुधौली थाना क्षेत्र के सिमरा गांव से सामने आया है, जहां सरसों काटने गई एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी रुदौली, प्रभारी निरीक्षक रुदौली, फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू की है। अलीगढ़ में थाना विजयगढ़ इलाके के ग्राम गोकुलपुर में अराजक तत्वों ने प्राचीन मंदिर में रखे शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित कर दिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में रेल कोच में तैनात श्रमिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां देर रात श्रमिक का शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बालेश्वर मंदिर के पास एक मकान में संदिग्ध हालत में शव लटका हुआ मिला और मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पुलिस पहुंच करके आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ में कब्रिस्तान पर बाउंड्री वॉल कराए जाने को लेकर सपा और भाजपा के नेताओं ने जमकर हंगामा किया, साथ ही सपा के पूर्व विधायक ने बीजेपी नेताओं पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से सपा के पूर्व विधायक को कोतवाली भेजा गया और सपा के पूर्व विधायक ने पुलिस को मारपीट की तहरीर दी। बताया जा रहा है कि 2003 में इसी स्थान पर बाउंड्री लगाने को लेकर दोनों समुदाय के बीच हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। फिलहाल घटना स्थल पर पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं।
आज एक शाहजमाल के कब्रिस्तान के प्रकरण को लेके एक पक्ष के लोग थाना दिल्ली गेट पर आए थे। अभी उस वक्त दूसरा पक्ष भी वहाँ पर आया था, तो इनके आपसी कोई बातचीत जो भी हुई है उसके संबंध में अभी हम जांच करा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा दिखा रहे हैं, जो भी होगा उसके अनुसार। उन्होंने कहा है कि एक गुंडे, कुछ लोग गुंडे हैं जो शहर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका काम है कि थाने को घेर लेती हैं और जबरदस्ती एफआईआर कराती हैं गरीबों के खिलाफ, जबरदस्ती एफआईआर कराती हैं और पुलिस उनकी बात को मानती है, इसलिए उनका हौसला बंद हो रहा है। अगर इनके साथ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे। रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र स्थित मदापुर गांव में अज्ञात बदमाशों के गैंगरेप की शिकार हुई अधेड़ पीड़िता के अधिक रक्तस्राव होने के चलते हालत बिगड़ते ही ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया, जहां सूचना मिलते ही पुलिस महकमे के हाथ पांव फूल गए और मौके पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैद है। वहीं पीड़िता के परिजन पुलिस या उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। औरैया शहर के इटावा रोड पर एक गेस्ट हाउस में पाल समाज का वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम के दौरान पाल समाज के अध्यक्ष ने नेताओं से एकजुट रहने की अपील की। इसके अलावा कार्यक्रम में सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाल समाज के अध्यक्ष आनंद धननगर ने कहा कि पाल समाज को एकजुट रहना चाहिए, जिससे कि वह अपनी एक पहचान बना सकें और समाज को एक नई दिशा दे सकें। इस पाल विकास समिति का उद्देश्य नौजवानों में शिक्षा के प्रति जागरूकता, हमारे समाज में उच्च पदाधिकारी जो युवा हैं उनको सम्मानित करना, हमारे जो पाल समाज के बच्चे हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अन्य परीक्षाओं में जिन्होंने मेरिट के साथ 90% एंड अबव ग्रेडिंग ली है, उन सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित करना, हमारे मुख्य अतिथि और जो विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं उन्होंने भी हमारे समाज के बाल विकास समिति को एक दिशा निर्देश दिए हैं और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के हमारी आज पाल विकास समिति की मीटिंग हुई है और ये बहुत ही उद्देश्यपरक और सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यूपी में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। सोमवार तड़के 4 बजे से लखनऊ में तेज बारिश और कानपुर में बूंदाबांदी हो रही है। इससे पहले वाराणसी में देर रात गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। इस दौरान कुछ इलाकों में जैसे अस्सी घाट और भदैनी में कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। वहीं प्रयागराज में भी रविवार शाम बारिश हुई। प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुई इस बारिश से मौसम भले ही खुशनुमा हो मगर ये किसानों के लिए नुकसान लेकर आई है। आलू और गेहूं समेत कई फसल इस बारिश से बर्बाद हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि 22 मार्च तक ऐसा ही मौसम यूपी में बना रहेगा। बारिश को ध्यान में रखते हुए सीएम ने अफसरों को कई निर्देश दिए हैं। अफसर नुकसान का आकलन कर मुआवजा दें। फील्ड में अफसरों को सीएम ने भ्रमण के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ के थाना गभाना इलाके के मेहरावल में खेतों से निकलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हो गए। वहीं दोनों पक्षों के घायलों ने पुलिस में तहरीर देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों ही पक्षों को उपचार और मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। संबल में थाना जूनाबाई क्षेत्र के गांव मैगरा में पीड़ित परिवार गुंडों के भय से पलायन करने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले दूसरे समुदाय के लोगों ने गांव के दंपत्ति को बेरहमी से पीटा था, जिसका उपचार आज भी अलीगढ़ में चल रहा है, जिसके बाद भी गांव में तनाव का माहौल है और आरोपी के भय से पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर है। समस्या ये है कि हमारे संजीव शर्मा मेरे भाई और भाभी भुवनेश शर्मा के लिए बहुत ज़्यादा पीटा और इतनी बेरहमी से अपने दरवाजे पर गांव घुसते ही भगवान सिंह पुत्र नेकराम, बिजनेस पुत्र मौकम,
राजवीर पुत्र हुकुम सिंह इन लोगों ने मारा, और अजयपाल पुत्र सरदार इन्हें बहुत बुरी रहमी से मारा। इस मारे यहाँ से जाना ही जा रहा है बिल्कुल, और ये रहने देंगे ही नहीं, परेशान है बहुत ज्यादा। हमारी समस्या ये है, हमारी मेन रास्ता ही है, और यादव लोग हमें जिगर ना दे रहे हैं, घर पे चढ़ जाते रात में 2-2 बजे, हमारे घर आदमी पूरी इतना है, औरतों पर हमला करते हैं, आया है इससे मारपीट हुई, और वो कहाँ है समाज में समाज वो अलीगढ़ भर्ती है अभी। कानपुर देहात के थाना सिकंदरा में पुलिस द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब को नष्ट किया। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर भारी मात्रा में पकड़ी गई शराब को नष्ट कर जमीन में दफन किया गया। आराम से छोड़ो भैया, आराम से विस्फोट हो सकती है, जिसको भी जरूरत हो वो ले सकता हूँ। औरैया में साधन सहकारी समिति का चुनाव पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जहां मणि पालीवाल निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और निर्वाचन अधिकारी विमल कुमार ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष को प्रमाण पत्र दिया। वहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। आज ये साधन सहकारी समिति एरवाटीकुर में शासन के निर्देशानुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव था, जो कि निर्विरोध संपन्न हुआ। अध्यक्ष इसमें श्रीमती मणि पालीवाल जी निर्विरोध सभापति निर्वाचित हुई हैं, वह श्रीमती कृष्णा देवी निर्विरोध उपसभापति निर्वाचित। चंदौली के चहनिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते 10 दिन पहले वार्ड ब्याय द्वारा ताला तोड़कर फाइल चोरी करने पर प्रभारी जिला अधिकारी डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रितेश कुमार ने जांच में सही तथ्य पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया है, और चिकित्सा अधिकारी ने विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। कुशीनगर में नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान द्वारा कस्या नगर स्थित वृद्धाश्रम पर निशुल्क दांत जांच शिविर का आयोजन किया गया, और वृद्धाश्रम पर रह रहे बुजुर्गों कर्मचारियों के साथ आसपास से आए लोगों को दांत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनामिका गुप्ता के द्वारा सामान्य ओरल जांच करते हुए ओरल कैंसर, ब्रश करने के तरीके और मुंह को अच्छे से साफ रखने की जानकारी दी गई। वहीं डॉक्टर अनामिका ने लोगों से 6 महीने के अंतराल पर चिकित्सक से मिलते रहने का सुझाव दिया है। अलीगढ़ में पुलिस थाने में छात्र की पिटाई के मामले को लेकर एएमयू के छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करके नारेबाजी की। दरअसल एक दिन पहले एएमयू बीटेक के छात्र मोहम्मद अमान अपने रिश्तेदार को एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के लिए सिटी हाई स्कूल ले गए थे, जहाँ गेट के एंट्रेंस के दौरान विवाद हो गया और पुलिसकर्मी उन्हें थाने में उठाकर ले गए और पिटाई कर दी। वहीं इस घटना को लेकर एएमयू छात्र आक्रोशित हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकालकर एसएससी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन हमारा इस चीज को लेकर किया गया है कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइंसेस में हमारी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो प्रोफेसर साहब की होती है, उसके बावजूद भी एक हमारे बीच से हमारे भाई को जो बीटेक का स्टूडेंट है उसको पुलिस वाले जो है उठा करके जबरदस्ती ले जाती हैं सिटी स्कूल, वो अपने भतीजे का टेस्ट दिलवाने के लिए गया हुआ था, जैसे कि अमूमन लोग जाते हैं, तो उससे वहां पर कोई भी बात हुई थी उसके बावजूद भी मतलब वहां पर उनको उठा कर ले गए, उसको ले जाने के बाद में बेतहाशा मारा, जिसकी वजह से वो मेडिकल में एडमिट है इमरजेंसी में, जिसमें यूपी पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, और यूपी पुलिस जो है वो उस स्टूडेंट को बीटेक के स्टूडेंट को जो कि सिर्फ हमारा इंटरनल मसला है यूनिवर्सिटी का, उस इंटरनल मसले को जो है वो इस तरह से दिखाती है कि उस लड़कियों को खींचते हुए घसीटते हुए लेकर जाते हैं बन्ना देवी पुलिस वाले, और बन्ना देवी ले जाकर उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके साथ बहुत बदतमीजी की जाती है, ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम है,
जो अपने भतीजे को यहाँ का बीटेक का स्टूडेंट है वहाँ गया है, उसके साथ बिल्कुल इस तरह का बर्ताव किया गया जैसे कि मुजरिम के साथ किया जाता है, जो निंदनीय है। और हम इस घटना की निंदा करने के लिए एसएसपी साहब को मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ आए हैं स्टूडेंट इकट्ठे होकर, ताकि यूपी पुलिस को ये पता लगना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने के लिए आया है, आप वो मुजरिम नहीं है, आप उसका मुजरिम जैसा बर्ताव करेंगे वो भी बिना किसी वजह के, आपको हक ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।